बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, न्यू रेसिपी है। आज मैं बनाना सिखाऊंगी बैंगन। बैंगन फ्राई कैसे करते हैं और साथ चिप्स, गोल वाली चिप्स को हम कैसे फ्राई करें, फिंगर चिप्स और गोल वाली। तो इसकी गोलाई शेप मैंने कर ली है और बैंगन भी मैंने कटिंग करके पानी में डिप करके रखे हैं। डिप करने का मकसद ये होता है कि ये ब्लैक नहीं होते। अगर वैसे रख लिया तो सारा कलर इसका ब्लैक है, लेकिन पानी में भी इसको थोड़ा थोड़ा कलर छोड़ दिया ब्लैक, तो भी परफेक्ट है। तो इसमें जो मसाला ज़्यादा डलने वजह है, मैंने लाल मिर्च ली एक चम्मच और ज़ीरा लिया साबुत, तो हरा मिर्च मैंने 1.5 चम्मच ली और पिसा हुआ धनिया लिया। बस जो इसका टेस्ट और फ्लेवर आना इन्हीं चीज़ों से आना। और लहसुन का मैंने अच्छी तरह लहसुन को मैंने चॉप करके क्रश करके इसमें पानी ऐड कर दिया, और पानी का लहसुन है ये सारा। इसमें हम मसाले ज़्यादा डाल के इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है, ठीक है। हैंड की मदद से हमने अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना है। और बाकी जो मसाला ज़्यादा वो भी मैं इसमें डाली जाऊँगी, जो जो डालना है वो आपको बताती हूँ। इसके इसमें मिक्स करने का मकसद ये होता है कि ये इसमें गिल्टी नहीं होती और ये बहुत अच्छा मिक्स है। और नमक डालना हमें अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी इंशाल्लाह अच्छी लगे। चिकन फ्राई बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी और चटपट रेडी हो जाते हैं। तो बेसन है, बेसन मैंने लिया है तकरीबन 2 कप के करीब, ठीक है। तो आपने उतना बनाना जितना मटेरियल आपको यानी कि थिक हो, जिससे हम डीप कर सकें, उतना मटेरियल बना लें अपने बैंगन के हिसाब से, ठीक है। तो इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करके, मिक्स इन वेल करके इसको हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। तो देखिए मैं अभी तैयार कर रही हूँ। जैसे जैसे इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे चम्मच के स्पून के मदद के साथ, तो इसे अच्छी तरह हमें बीट कर लेना है, ठीक है। जी जनाब, ये मेरी रेसिपी तकरीबन रेडी हो रही है। और एक तरफ मैंने घी लिया है, इसको फ्राई के गरम के लिए छोड़ दिया है चूल्हे पे, और बेसन हमारा अच्छी तरह मेल्ट हो गया है। अब सबसे पहले मैं आपको बैंगन फ्राई करना दिखाऊंगी कैसे बैंगन। इसमें थोड़ा सा मैंने कॉर्नफ्लोर डालना, ये आपको बताना भूल गई, कॉर्नफ्लोर डाल के मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया, ठीक है। अगर कम लगा तो बाद में भी कॉर्नफ्लोर डाल सकती हूँ मैं, उससे बहुत क्रिस्पी और क्रंची सी बनती है इसकी जो ऊपर की। देखिए माशाल्लाह इतना मज़ेदार फ्राई होगा। ऐसे हमने बिल्कुल डीप फ्राई के तेज आँच से छोड़ते रहना, ये बहुत अच्छा फ्राई हो जाना। घी मैंने बिल्कुल गर्म किया और सारे फ़ौरन डाले, ये ज़्यादा गले ना, और साथ साथ ही ये अच्छी तरह फ्राई होते जाएँ, क्योंकि इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। इनका कलर भी बहुत अच्छा आ जाना है। तो नॉर्मल आँच पे हमें थोड़े तेज़ करके भी बाद में नॉर्मल आँच पे ये छोड़ देना, ताकि अंदर तक ये अच्छी तरह डीप फ्राई हो जाए। जी जनाब, हमारे बैंगन से टेस्टी क्रिस्पी और क्रंची तैयार हो रहे हैं। तो आपको लाइव दिखा रही हूँ सारा ए टू जेड। बहुत दिनों से दिल कर रहा था बनाने को, बस टाइम ही मिल रहा था, तो आपको आज भी बना लूँ और साथ आपके साथ शेयर भी कर लूँ, और इसको अपने यूट्यूब पर कर लूँगी। तो और जो जो मेरे चैनल पर अभी तक नहीं हुए, वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर मेरी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन से आपको मिल सके। तो आप इसको लाजमी देखिएगा मेरी हर वीडियो को, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। तो ये देखिए, जो मैंने अब चिप्स करनी है ना, तो फ्राई तो मैंने कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लिया है। तो कॉर्नफ्लोर भी हमने ये रिफाइन वालों का लेना है, तो इससे फिर चिप्स का जो बनावट जो इसकी वो क्रंचीज डबल हो जाएगा। और आपको पता चिप्स वैसे ही फ्राइज में बहुत ही टेस्टी बनती है। तो बैंगन हमारे तकरीबन मसाला एक्सपर्ट रेडी हो गए। इसको मैं निकाल के डिश आउट करती हूँ। डिश आउट करने के बाद फिर मैं साथ ही आलू की चिप्स जो गोल शेप में, उसको मैंने कटिंग करके रखा, उसको मैं फ्राई करके दिखाऊंगी। मटेरियल मेरा वही है, वही मसाला जा सब कुछ ले लिए कि चटपट तैयार होने वाले, बच्चों के लिए भी ज़बरदस्त से बहुत जल्दी रेडी हो जाने वाली चीज़ है। ये देखें माशाल्लाह हमारे बैंगन रेडी हो गए, कितना प्यारा लुक और कलर आया है। अब मैं चिप्स करने लगी हूँ। जैसे जैसे मैं साथ साथ डाल रही हूँ, फिर मैंने आग बीच से मिक्सी कर दी है।
अच्छी से बहुत अच्छी टेस्टी और यमी सी तैयार होगी। देखिए इसका क्रंची बनी जा रहा है, जब इसको निकाल के खाना बहुत ही मज़ा आना। गर्म गर्म ऊपर सर्दी का मौसम है, सर्दियों में तो वैसे बहुत मज़ा आता है गर्म गर्म फ्राई चीज़ का। घरों में बनाएं, एंजॉय करें, बच्चों को भी खिलाएं, आप भी खाएं। बिल्कुल सेम ऐसी रेसिपी बनाना, सिंपल सी, बहुत अच्छी और झटपट तैयार हो जाती है। ये तकरीबन छोड़कर नॉर्मल सा कलर हो जाए, इसको साथ में बना लेना और अच्छी तरह इसको फ्राई करना है। बच्चों को फिंगर फिश बहुत पसंद, लेकिन ये फिश भी बहुत टेस्टी बच्चे खाते हैं। तो बहुत इसका कलर भी देखा जाए इसका बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि हमने कॉर्नफ्लोर डाला इसको ज़्यादा नहीं, फिर इसका बहुत क्रंची अच्छा बनता है और खाने में भी टेस्ट होता है। मंगो मैं बैठा राजू के मंगो तो राबरी ये हमारी चिप्स माशा चटपट रेडी हो गई है, जिसने खानी आ जाए। मैंने बहुत टेस्टी और अच्छी बनाई, गरम गरम और केचप के साथ इसको डिश आउट करें, खाएं। और मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, जब बैंगन है ना अंदर से कितना सॉफ्ट और जूसी बना है, देखे गल गया बिल्कुल ही, इसका सॉफ्टनेस आ गए और खाने में बहुत टेस्ट है। गरम गरम देखें बहुत ज़बरदस्त तैयार हुए हैं, तो इंशाल्लाह अंदर तक इसका टेस्ट जाएगा। और आप इसको ट्राई कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।